हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आवर ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये जो बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम बात कर रहे हैं, वो हम एब्रेसिव मटेरियल की बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एब्रेसिव मटेरियल क्या काम करता है, उसके बाद हम समझते हैं कि ये बॉन्डिंग उसके अंदर क्या कहता है और क्या काम करता है। एब्रेसिव मटेरियल बेसिकली हमारा किसी भी मेटल से सरफेस फिनिश करने का काम करता है। आपको मालूम है ग्राइंडिंग व्हील हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहां पर ये जो व्हील आप देख रहे हैं, ये व्हील हमारी किस किस तरीकों से बनी जाती है, इसकी मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो दे चुकी है, जिसमें हमने पढ़ा था एब्रेसिव मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल के अंतर्गत मैंने बता दिया था कि जो ग्राइंडिंग व्हील होती है, उस ग्राइंडिंग व्हील की कौन कौन से पदार्थ से हम इसको बनाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है कि जो ये एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम एब्रेसिव बोलते हैं, वो एब्रेसिव पार्टिकल जब आपस में जुड़ते हैं, आप कभी ध्यान से देखेंगे इस एब्रेसिव प्लेट को या फिर एब्रेसिव व्हील को, तो उसमें देखना आप छोटे छोटे स्टोन चिपके हुए होते हैं, एक बॉन्ड बना के रखे होते हैं। तो यहां पे जो एब्रेसिव पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जो बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, हम यही देखेंगे कि यहां पे किस किस तरीके से इसकी बॉन्डिंग की जाती है, या फिर ये कहूं मैं कि यहां पे जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है, हम आज की वीडियो में यही देखेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो बॉन्डिंग है वो एब्रेसिव बॉन्डिंग की बात कर रहा है। जो है छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, वो ग्रेन्स आपस में यहां बॉन्ड बना के रखे हैं, वो उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले प्रकार की मैं बात करता हूं वाइट्रिफाइड बॉन्ड। वाइट्रिफाइड बॉन्ड में हम यहां पर जो मिक्सचर है, मिक्सचर हमारा क्ले, एब्रेसिव ग्रेन और वाटर, यानी कि जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन लेते हैं, इसमें हम कुछ मात्रा हम क्ले का मिलाते हैं और इसमें हम थोड़ा सा जल लेते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा वाटर कंटेंट लेते हैं। इन तीनों की मदद से जो बॉन्ड प्रिपेयर होती है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, वाइट्रिफाइड बॉन्ड कहा जाता है। इसे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाई स्टैक रिमूवल। अगर हमको किसी भी मेटल से या फिर किसी भी वर्कपीस से अगर हमको ज्यादा रिमूवल करना हो मटेरियल्स, तो हम यूज करते हैं इस वाइट्रिफाइड बॉन्ड का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टैक फिनोमिना होती है, जो रिमूविंग फिनोमिना होती है, वो काफी ज्यादा होती है, वो काफी ज्यादा मात्रा में रिमूव कर सकता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे बेक्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि इस वाइट्रिफाइड बॉन्ड को बेकिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर दी जाती है वो काफी ज्यादा दी जाती है। इसकी एक टेंडेंसी है कि ये हाई टेम्परेचर पे बेक होता है, तो साथ ही साथ ये हाई टेम्परेचर पे ये काम भी करता है। कहने का मतलब ये है कि जब ऑपरेशन चलती है कोई वर्कपीस से, हम जब ग्राइंडिंग व्हील्स को उसके ऊपर से स्ट्राइक करवाते हैं, तो वहां पे हीट जनरेशन काफी कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। इसलिए वाइट्रिफाइड बॉन्ड यहाँ पे नो हीट जनरेशन ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के समय पे किसी भी प्रकार का कोई हीट जनरेशन नहीं करता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारा सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड बेसिकली इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सोडा है, यानी कि सिलिकेट बॉन्ड को प्रिपेयर करने के समय वहां पे हम जो यूज करते हैं इंग्रेडिएंट के फॉर्म पे, वो हमारा इंग्रेडिएंट है सोडा। यहां पे हम सोडा की मदद से हम इसको इस बॉन्ड को हम तैयार करते हैं, लेकिन इसकी एक थोड़ी सी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि लिमिटेड एक्सटेंड इन ऑपरेशन, यहां पे ये ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता। इसीलिए हम इसको जो भी हमारी ग्राइंडिंग ऑपरेशन होती है, हम ये करते कोशिश करते हैं इसकी जो मिनिमम टेम्परेचर वहां पे जनरेट हो वही हमारे लिए यूजफुल होगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा समय के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेसिव अमाउंट में हीट जनरेट हो जाएगा और हीट जनरेट से ये बॉन्ड आपस में ब्रेक हो सकते हैं, यानी कि इनकी बॉन्डिंग ब्रेक हो सकती है, इसीलिए हम सिलिकेट बॉन्ड का यूज कम करते हैं। तीसरा हमारा आता है सिंथेटिक रेजिन बॉन्ड, या फिर इसी को हम रेजोनाइट भी बोला जाता है। रेजोनाइट भी कहीं आपको किसी बुक में मिलेगा, या फिर हम इसको सिंथेटिक रेजिन बॉन्ड बोला जाता है। इस बॉन्ड का जो यूज किया जाता है, अगर हमको कोई रफ ग्राइंडिंग करनी हो, कहने का मतलब ये है कि अगर हमको एक हाई सरफेस फिनिश नहीं चाहिए होती है, हमको थोड़ी सी रफ या फिर हम एक इंटरमीडिएट हमको फिनिशिंग चाहिए होती है, तो उस केस में हम यहां पर यूज करते हैं रेजोनाइट का यूज करते हैं या फिर सिंथेटिक रेजिन बॉन्ड का यूज करते हैं। इसका कारण यह है कि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बॉन्डिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए ये कैपेबल नहीं होता है हाई सरफेस फिनिश के लिए। तो अगर हमको एक मॉडरेट या फिर कहूं ये भी हमको रफ सरफेस फिनिश चाहिए होती है, तो इस केस में हम रेजोनेट का यूज करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, दिस बॉन्ड्स मटेरियल्स आर थर्मोसेटिक रेजिन, अब मैंने आपको भी बताया, हैविंग अ गुड स्ट्रेंथ एंड मोर इलास्टिक। अगर जितना फ्लेक्सिबिलिटी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उतनी इसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी वीक रहेगी, इसलिए यहाँ पे इसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, जिससे हम आराम से किसी भी प्रकार का कोई सरफेस फिनिश कर सकते हैं। यूज फॉर रफ ग्राइंडिंग मैंने आपको अभी बता दिया। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारा रबड़ बॉन्ड। रबड़ बॉन्ड में बेसिकली हम यूज करते हैं प्योर रबर का और प्योर सिंथेटिक का। यहाँ पे रबड़ और सिंथेटिक का हम यहाँ पे मिक्सर करके इस बॉन्ड को प्रिपेयर करते हैं। कौन से बॉन्ड को? रबड़ बॉन्ड को। यहाँ पे हम यूज करते हैं प्योर रबर का और सिंथेटिक का, मेड बाय नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, पहला पॉइंट ये था। दूसरा था, स्ट्रेंथ इज डेवलप्ड बाय
वेल्कोनाइजेशन। आपने केमिस्ट्री में 10th में 11th में वेल्कोनाइजेशन पढ़ा होगा, वेल्कोनाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे रबड़ और यूज करके यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ जो देती है, जो स्ट्रेंथ डेवलप्ड होती है वो वेल्कोनाइजेशन के फिनोमेना से होती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस रबड़ बॉन्ड के बनाने के लिए जो मिक्सचर तैयार करते हैं वो मिक्सचर है हमारे एब्रेसिव ग्रेन प्लस प्योर रबर प्लस सल्फर। थोड़ी सल्फर की भी यहाँ पे मात्रा डाली जाती है। सल्फर इसलिए डाला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनाने के लिए यहाँ पे जो मददगार होता है वो होता है सल्फर। तो यहाँ पे रबर और एब्रेसिव ग्रेन का जो यहाँ पे जोड़ होती है, इन दोनों की जो पकड़ होती है, इसमें हेल्पफुल होता है हमारा सल्फर। तो ये सारे थे हमारे टोटल आज के टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि एब्रेसिव बॉन्ड पे किस किस तरीके का यूज किया जाता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमने आज की वीडियो में देखा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। और अगर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, बाय।